क्रॉस कर चुके हैं। कागल 8 किलोमीटर, बेलगा 101 किलोमीटर, बेंगलोर 603 किलोमीटर। ओ माय गॉड, टाइम हो चुका है 1:30। यहाँ से निपाणी 30 किलोमीटर है, उसके बाद में घाट सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। मुझे तो लगता है कि हमें शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे कर्नाटक के बोट्स और रेडी वाले ऑफिसेस दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज द लास्ट टोल गेट फ्रॉम महाराष्ट्र, वी आर एंटरिंग इन टू कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद महाराष्ट्र का बॉर्डर ख़त्म, कर्नाटक बॉर्डर स्टार्ट। आ गए अपने ठंडे लोग, हो गए आगे। चलो, महाराष्ट्र और कर्नाटक सेम ही लग रहा है। रोड स्टेट जाता है अंबोली घाट के थ्रू सावंतवाड़ी, लेकिन नज़ारे देखिए क्या बढ़िया नज़ारे हैं। थोड़ा रास्ता खराब है ऐसा मुझे पता चला है, ये नज़ारों के सामने रास्ता कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं, अभी तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ गोवा, नेक्स्ट टाइम कभी आया तो रेनी सीजन में यहाँ से ट्रैवल करूँगा। रोड की कंडीशन ओके है, कुछ खड्डे आ रहे हैं बीच बीच में, लेकिन ठीक ठाक है। का रास्ता बहुत ख़राब था, लेकिन बीच बीच में बहुत अच्छे से अच्छे पैच भी मिले। मुंबई गोवा हाईवे ये तो एक नंबर बना हुआ है महाराष्ट्र ख़त्म होने के बाद। सावंतवाड़ी या फिर जो कि आखिरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक आने तक बहुत ख़राब रास्ता है, लेकिन उसके बाद जैसे गोवा में एंट्री करते हैं तो रास्ते तो एक नंबर है। आप देख ही सकते हैं 4 लेन का हाईवे है और ज़बरदस्त सीमेंट कंक्रीट का रोड बना हुआ है, तो आराम से 80-100 किलोमीटर के स्पीड से हम क्रूज कर सकते हैं। अभी टाइम हो चुका है 5:33, अभी तक खाना नहीं खाया, अभी सोच रहे हैं अभी सीधा होटल पे जाए और वहीं पे जाके खाना खाया जाए, कि ऑलमोस्ट अभी 6 बजने वाले हैं थोड़ी देर बाद। अभी खाना खा के लंच करके कुछ फ़ायदा नहीं है, अभी सीधा डिनर ही करते हैं वो भी होटल पर जाके। सनसेट होने को आ रहा है, और ये ऊपर रेलवे सनसेट होने को आ रहा है। हम लोग निकले थे सुबह 6:30 को घर से, वो देखो सूर्य सूर्यास्त, ज़्यादा लेट हो गया। फिर हम लोग धीरे धीरे घाट एंजॉय करते हुए आए और लेट हो गया। राइड का एंजॉय किया, दैट इज़ द मेन थिंग। क्या लेट आना जाना तो चलता रहता है। आई गेस यहाँ से हमें राइट लेना है, लेकिन कहाँ से
पीपल के ब्रिज चढ़ने के बाद बरोबर जाते ना अपन बरोबर ठीक है हाँ बरोबर 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 पुढे हमने नदी के साइड वाला रोड से एंट्री ले ली है। अभी देखते हैं होटल कितने दूर है। टाइम इज अराउंड 5:50 इन द इवनिंग। ओ माय गॉड रिवर ही राइट, कितनी बड़ी रिवर है। और दिख रहे नारियल के पेड़, लग रहा है जैसे हम कोस्टल एरिया में आ चुके हैं। तो इतने प्यारे प्यारे गांव आ रहे हैं यहाँ पे, इनके घरों की स्ट्रक्चर देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। बस ऐसा है रिटायरमेंट के बाद बस ऐसा एक घर मिल जाए हाँ कोस्टल एरिया में, बस और क्या चाहिए। देखिए बाजू में ये नदी है और सामने घर, क्या बढ़िया बढ़िया व्यू है। देखिए देखिए ओहो व्हाट अ ब्यूटी। तो फाइनली हम लोग हमारे रूम की ओर बढ़ रहे हैं। हार्डली 200 मीटर्स पे हमारा रूम है। तो आपको ये जर्नी कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी बताइए। बाकी बातें रूम पर जाने के बाद करते हैं, पहले थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। बाय। तो फाइनली अपन घर आ चुके हैं, रहा अपना घर, बाकी बाद में फ्रेश होके बात करता हूँ।